नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन स्पिरिचुअल में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं शास्त्र बाहु कौन था और रावण से इसका क्या लेना देना था? रावण को युद्ध में राम ने परास्त किया था, ये बात आप सबको मालूम है। लेकिन राम से पहले भी रावण को एक योद्धा ने परास्त कर दिया था। उस महान योद्धा का नाम सहस्त्र अर्जुन था। क्या आप जानते हैं कैसे रावण जैसे महान योद्धा को सहस्त्र अर्जुन नाम के राजा ने परास्त कर दिया था? चलिए आपको बताते हैं इस बारे में। दोस्तों, रावण विश्व विजय का सपना लेकर निकला हुआ था। उसने सभी राजाओं को हराते हुए महाश्मति नाम के राज्य में पहुंच गया। इस राज्य में राजा सहस्त्र अर्जुन का शासन चलता था। जब रावण ने सेना के साथ महाश्मति नदी के निकट पहुंचा, तब उसने सोचा क्यों न वो अपने आराध्य देव शिव की यहाँ पे आराधना कर ले। ये सोचकर रावण ने नदी के तट पर एक शिवलिंग की स्थापना की और भगवान शिव की आराधना करने लग गया। उसी समय उस नदी के दूसरी ओर सहस्त्र अर्जुन अपनी रानियों के साथ घूम रहे थे। राजा सहस्त्र अर्जुन को भगवान दत्तात्रेय ने हजार भुजाओं का आशीर्वाद दिया था और उसकी सभी पत्नियों को इस बारे में पता था। सभी रानियों ने सहस्त्र अर्जुन से उन भुजाओं की सहायता के लिए कुछ अनूठा काम करने का अनुरोध किया। तब सहस्त्र अर्जुन ने अपनी शक्तियों को दिखाते हुए अपने हजारों भुजाओं की सहायता से नदी के असीमित बहाव को रोक दिया और इसकी वजह से नदी के एक किनारे पर इतना जल इकट्ठा हो गया और इससे बाढ़ की स्थिति आ गई और इसी वजह से रावण का शिवलिंग नदी में बह गया। ये देखकर रावण को अत्यधिक क्रोध आ गया और उसने अपने सैनिकों को इस बात का पता लगाने के लिए नदी की दूसरी ओर भेज दिया। जब रावण के सैनिकों ने नदी के दूसरे छोर पर पहुंचे तो उन्होंने संपूर्ण जानकारी रावण को बताई। तब रावण ने स्वयं सहस्त्र बाहु से युद्ध करने के लिए ठान ली। जब सहस्त्र बाहु के पास रावण पहुंचा, तब सहस्त्र बाहु ने रावण से ये कहकर लड़ने से मना कर दिया कि रावण उनका अतिथि है, इसलिए वे रावण से युद्ध नहीं कर सकते हैं। रावण ने सहस्त्र बाहु को अपशब्द कहने लग गया और उसे युद्ध के लिए ललकारने लगा। अतः ना चाहते हुए भी सहस्त्र बाहु को रावण के साथ युद्ध करना पड़ गया। युद्ध बहुत दिनों तक चलता रहा और दोनों योद्धाओं के बीच हर तरीके की शक्ति का इस्तेमाल किया गया। अंत में सहस्त्र अर्जुन ने अपना असली रूप दिखाते हुए अपने हजारों हाथों से रावण को कसकर जकड़ लिया। रावण ने बहुत कोशिश की परंतु उसकी पकड़ से वो छूट नहीं पाया। तब सहस्त्र बाहु ने उसे एक कारागार में डाल दिया। इस बात का पता जब रावण के दादा, जिनका नाम महर्षि पुलस्त्य था, उनको पता चला तो वे स्वयं सहस्त्र अर्जुन के पास पहुंचे और माफी मांगकर रावण को आजाद करवा दिया। इसके बाद रावण ने सहस्त्र अर्जुन से मित्रता की और लंका की ओर चला गया। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? जरूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसी जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए।